गाइस वेलकम टू माय चैनल मार्वल्स लाइफस्टाइल में आपका दोस्त दोस्त प्रतीक। तो गाइस सीरीज का वीडियो में ड्राइव करते हैं। गाइस आप सब जरूर थंबनेल पढ़ चुके हैं कि टॉप 5 एंड्रॉइड ऐप से। जी हां, आज का ऐप बहुत ही शानदार होने वाला है। तो गाइस चले बिना देरी के वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हाँ वीडियो में ड्राइव करते हैं। तो गाइस लिस्ट का पहला जो ऐप मैं आप सबको बताना चाहूंगा वो एक लॉन्चर है। जी हाँ, हैकिंग लॉन्चर आप कह सकते हैं। हैकिंग लॉन्चर सिर्फ इंटरफेस में है। जी हाँ, एक सादा सा हैकिंग कुछ नहीं करता, लेकिन जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो अगर बाजू वाले में कोई खड़ा होगा तो जब देखेगा इस आपके फ़ोन को तो वो ज़रूर शॉक हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसका जो इंटरफेस है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका जो इंटरफेस है पूरी तरीके से किसी लॉन्चर से पूरी तरह डिफरेंट है। आप नोवा लॉन्चर में भी ऐसा है कि कस्टमाइजेशन है, इसको करने में आपको मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी पता नहीं आप ऐसा कर पाएंगे भी या नहीं। तो एक गाइस ये जो लॉन्चर है ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। लॉन्चर का नाम है TUI। जी हाँ, एक हैकिंग लॉन्चर है। आपको देखने में बहुत सारा ये आसान लगता होगा, देखिए आसान भी है। आप वहाँ पे जब ऐप को ओपन करेंगे डायरेक्ट आपको ऐप को सर्च करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसकी वजह से आप अपना जो काम है उसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। और मेन जो बात है इस ऐप का जो साइज बहुत ही कम होता है। और हाँ, ये जो ऐप है वो यूज़ करने बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मिनिमल होता है, ज़्यादा कुछ फंक्शन वगैरह नहीं है। आपका पूरा का पूरा स्क्रीन ज़्यादा टाइम डार्क ही रहता है, इसकी वजह से आपका बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा सेफ भी होता है। तो गाइस जिसने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जरूर जाकर चेक कीजिएगा इसे, आपको नाम है TUI। तो गाइस सेकेंड बार जो ऐप होने वाला है जो ए ऐप एक ट्रांसलेटिंग ऐप है। जी हाँ, तो देखिए गूगल ट्रांसलेट या फिर प्ले स्टोर में मिलने वाला हर जो ट्रांसलेटर जो टूल होते हैं जो ऐप होते हैं उन सबसे बहुत ही ज़्यादा अलग है। अलग इसके लिए क्योंकि देखिए इसे आपको ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको एक डिफॉल्ट लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज आप चूज़ करती है डिफॉल्ट में जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हिंदी वगैरह चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए, या फिर ऐसे बहुत सारे भाषाएं आपको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे आपको लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप मैसेंजर को यूज़ करते हैं, फेसबुक मैसेंजर, वहाँ पे आप देखे होंगे कि एक फ्लोटिंग विंडो आता है, आप स्क्रीन के अंदर ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। तो गाइस वैसे एक फ्लोटिंग विंडो आपके फ़ोन के डिस्प्ले के ऊपर भी आ जाएगा। आप क्या कर पाएंगे, किसी भी एक टेक्स्ट को उठा के उसका ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है जो आप जानना चाहते हैं वो फटांग से वो ट्रांसलेट हो जाएगा। अब जिस भी लैंग्वेज के अंदर आप सेट करके रखना चाहेंगे इस ऐप को वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। और बहुत सारे लैंग्वेज है आप ट्राई कर सकते हैं। ऐप बहुत ही शानदार है, बहुत ही मिनिमल है और यूज़ करना भी बहुत ही आसान है। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा। तो गाइस तीसरा जो ऐप होने वाला है एक लाइव वॉलपेपर ऐप है। जी हाँ, लाइव वॉलपेपर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन ये जो लाइव वॉलपेपर है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और जायरोस्कोपिक के ऊपर काम करता है। तो गाइस देखिए जायरोस्कोप क्या है तो इसके ऊपर एक वीडियो बन जाएगी, थोड़ा सा आपको समझने के लिए बोलता हूँ। जो हमारा जो फ़ोन है वो अगर इस तरीके से है तो फ़ोन को पता होना चाहिए कि ऐसे है, या अगर कुछ ऐसे हो जाएगा तो फ़ोन को पता भी चल जाएगा कि फ़ोन ऐसे हिल चुका है, थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है। तो इसके लिए जो सेंसर है, इस सेंसर को कहते हैं जायरोस्कोप। ये VR वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वर्चुअल रियलिटी में। तो इस टेक्निक को यूज़ करके हुए जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है। ये लाइव वॉल कैसा है कि एक आपको वाटर टैंक मिल जाएगा, एक पानी का ग्लास है, आप वाटर टैंक आप समझ सकते हैं, आप उस अंदर आपको बस थोड़ा सा पानी दिख जाएगा। अब जब फ़ोन को हिलाएंगे या फिर कुछ ज़्यादा टिल्ट विल्ट करेंगे तो पानी जो है वो ऐसे 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 जाएगा, जैसे कि रियल लाइफ में जैसे होता है वैसे ही यहाँ पे भी होगा। ऐप को मैं जो यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और इसका जो पानी का जो कलर है आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार ऐप है, ऐप का नाम है लाइव वॉलपेपर। मैं इसका लाइव वॉल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक कीजिएगा क्योंकि इसका नाम बहुत ही सिमिलर खाता है बाकी सारे जो लाइव वॉलपेपर है उस ऐप से। तो डिस्क्रिप्शन में जाएगा आपको सटीक आपको ऐप मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो का अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट ऐप के ऊपर बढ़ते हैं। गाइस चौथा जो ऐप होने वाला है ये ऐप एक कैमरा ऐप है। तो गाइस मेरे ख्याल से मेरे देखा हुआ ये सबसे हाईटेक और एडवांस कैमरा ऐप आप बोल सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स मिल जाते हैं 1920 से 2020 तक 100 साल के अंदर जितना जितना आपको फिल्टर वगैरह जो सिनेमा में जो यूज़ करते हैं। जी हाँ, वो सारा का सारा फिल्टर आपको इस ऐप के अंदर प्रीबिल्ट मिल जाएगा। और ये जो ऐप है पूरी तरह से फ्री भी है। तो गाइस इसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप जब वीडियोग्राफी है या फिर आप जब फोटोग्राफी करते हैं तो फिर आप सिनेमैटिक वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे, सिनेमैटिक फोटोज जो है उन सबको क्रिएट कर पाएंगे, आप खींच पाएंगे। तो इस यही ऐप का बहुत बड़ा एक खूबी है। और दूसरा खूबी मुझे जो अच्छा लगा, देखिए इसके ये जो आप जब इस ऐप को ऑन कर लेंगे तो फिर ऐप को ऑन करने के बाद आप देख पाएंगे कि एक ट्रैकिंग सिस्टम है। हाँ जी हाँ, मोशन ट्रैकिंग। तो वहाँ पे जाके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का आप जो कलर है उसको चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको जो ह्यू सैचुरेशन आपको दिखने का मिल जाएगा उसको आप हिला के थोड़ा सा कम ज़्यादा करेंगे तो फिर आप देख पाएंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो लाइव फोटो खींचने के बाद
नहीं, फोटो खींचने से पहले कैमरा फ्रेम में ही उस कलर को आप थोड़ा सा ज्यादा कम आप कर पाएंगे, उस कलर भी आपको चेंज कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर जाके चेक कीजिएगा। नाम है मूसे मैच। गाइस लास्ट जो ऐप है, ये ऐप आपके टाइम पास के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए मॉस्को सिटी जो है वहां आपका जो हर एक जो बिल्डिंग होते हैं, कई एक बिल्डिंग का ही इस ऐप में बस जिक्र किया गया है। आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। जी हाँ, उस प्रिंट आपको अगर प्रिंट भी कर सकते हैं या फिर आपके पास दूसरा कोई फोन है तो उस फोन में भी आप इसको फोटो को भेज पाएंगे। भेजने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ का जो फोटो किसी दूसरे कैमरा से या फिर जो आपने प्रिंट किया है पीस को, पेपर के पीस को, उसको रख के अपना जो कैमरा है उसका जो इस ऐप को ऑन कर लीजिएगा और उसके बाद सिंपल को ला जाइएगा, तो आपका एक बहुत ही शानदार आपको इफेक्ट मिलेगा। टोनी स्टार्क एवेंजर जैसे कुछ फीलिंग आएगा आपको अंदर। देखिए क्या होता है कि फुल फिल एक बिल्डिंग आ जाता है, 3D बिल्डिंग आप देख सकते हैं। टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, आप बहुत बारीकी से इसे आपको देख पाएंगे और बिल्डिंग का हर एक जो चीज है, जी हाँ हर एक चीज को आप बारीकी से देख पाएंगे और इसके अंदर हर एक चीज, इसके बाद इसका जो एनिमेशन देखने में बहुत मजा आता है और क्या बोल, टाइम पास के लिए बहुत ही अच्छा है। गाइस लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम है मॉस्को सिटी। तो चलिए वीडियो तो आज के लिए इतना ही था, अगर वीडियो से अगर फायदा हुआ तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि